वेलकम 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 गाइस वेलकम बैक टू यू ओन चैनल ऑप्शंस गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्कलिस वीडियो में आज हमारी मंथली एक्सपायरी थी बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिली मॉर्निंग में देखेंगे तो एक शार्प गैप डाउन ओपनिंग एंड ग्लोबल क्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे उसकी वजह से हमें बहुत ही शार्प गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली मॉर्निंग के ट्रेंड की बात करेंगे तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा था लेकिन सेकेंड हाफ में बहुत ही गजब की रिकवरी देखने को मिली निफ्टी में भी बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट पॉजिटिव क्लोज हुआ है बहुत ही गज़ब की रिकवरी देखने को मिली बैंक निफ्टी में देखेंगे ओवरऑल जो हमने एक ब्रॉडर रेंज की बात की थी ऑलमोस्ट पूरी रेंज को मार्केट ने कवर अप किया पहले हमने लोअर साइड भी जाते हुए देखा एंड मार्केट ने अपर लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट किया है बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ब्रेकआउट लेवल पर है एंड इसका मेन रीज़न था आज पी एस यू बैंक्स ने गजब की रैली दिखाई ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ही नेगेटिव था लेकिन पी एस यू बैंक्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे आज तो ओवरऑल क्या इंपॉर्टेंट आगे लेवल्स हैं बैंक निफ्टी बिल्कुल ब्रेकआउट के ऊपर है निफ्टी ने भी सपोर्ट लेवल को होल्ड किया है तो निफ्टी में क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे सब कुछ डिटेल में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है आपको फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि डेली आप ऐसे वीडियो में ना करें चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस तो एक बहुत ही शार्प गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली आज हमें बहुत शार्प गैप डाउन ओपनिंग और इसका मेन रीज़न था कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे जो फेड की स्टेटमेंट आई थी उसमें काइंड ऑफ ये इंडिकेशन मिला कि मार्च से वो रेट हाइक करना स्टार्ट करेंगे ये भी काफ़ी नेगेटिव था ग्लोबली मार्केट्स के लिए इसलिए ग्लोबली सारी मार्केट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी एंड उसी का इम्पैक्ट हमें अपनी मार्केट पर भी देखने को मिला काफ़ी शार्प गैप डाउन ओपनिंग एंड ओपनिंग के बाद भी देखेंगे तो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने को मिला मार्केट में मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ कंटिन्यूस मार्केट डाउन ट्रेंड में थी एंड सेवनटीन थाउजेंड के बिलो हमारी कोई डिस्कशन नहीं थी क्योंकि सेवनटीन थाउजेंड एक इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए सपोर्ट लेवल था कि अगर इसके बिलो मार्केट क्लोज हो जाती है तो मार्केट फिर से बैरिश हो जाएगी इसके बिलो इंट्रा डे में हमारी कोई डिस्कशन नहीं थी लेकिन जब इसके अबव दोबारा मार्केट आई काइंड ऑफ ब्रेकआउट मिला और लेवल ने परफेक्टली एज अ सपोर्ट का भी वर्क किया आप देखेंगे तो वहां से गजब की रैली हमें देखने को मिली ऑलमोस्ट वन सेवन पॉइंट्स की रैली हमें देखने को मिली जब सेवनटीन थाउजेंड लेवल का ब्रेकआउट मिलता है अभी गजब की रैली यहाँ पे थाउजेंड लेवल था इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट ने टाइम भी स्पेंड किया काइंड ऑफ एज अ सपोर्ट का भी वर्क किया इस लेवल ने और जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ तो वहां से गजब की रैली हमें देखने को मिली दो ओवरऑल निफ्टी देखेंगे तो काइंड ऑफ नेगेटिव क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ और बहुत अच्छा अपमूव देखने वाला लेकिन निफ्टी में देखेंगे काइंड ऑफ एक नेगेटिव क्लोजिंग है ये लेकिन लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है और अच्छी चीज क्या हुई है कि 17,000 लेवल को फिर से मार्केट ने होल्ड किया जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है साइकोलॉजिकल लेवल है फिर से मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया तो कल के लिए भी 17,000 थाउजेंड एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है हमारा पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ठीक है क्लियरली मार्केट इस लेवल को इंट्राडे में बिलो ज़रूर गई और लोअर साइड हमारी कोई डिस्कशन भी नहीं थी क्योंकि मार्केट को इसे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करना चाहिए मार्केट डाउनसाइड तो जा रही है लेवल के लेकिन हमने क्लोजिंग इस लेवल के बिलो नहीं देखी बार बार मार्केट की क्लोजिंग अबव आ रही है तो लेवल को मार्केट होल्ड कर रही है तो अभी भी एक अच्छा साइन है जब तक मार्केट मार्केट को होल्ड कर रही है एंड अगर इसे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करेगी तो हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा तो ये काइंड ऑफ इंट्रा डे मार्केट थी जहां मॉर्निंग में डाउन ट्रेंड देखने को मिला सेकंड हाफ में शार्प रिकवरी देखने को मिली और उसे लीड किया बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में गजब की रैली आई एंड उसके साथ साथ हमने निफ्टी को भी अपसाइड मूव करते हुए देखा तो ये तो बात हुई इंट्राडे मार्केट ट की लेकिन अब आगे क्या एक्सपेक्टेड है कल क्या ट्रेडिंग सेटअप होगा और कल आपको कैसे ट्रेड्स बनाने कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनकी बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप की तो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है 17, 150, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोजिंग आई है सेवनटीन हंड्रेड एंड टेन पे तो इमीडिएट सपोर्ट सेवनटीन वन हंड्रेड लेवल है एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल क्या है सेवनटीन थाउजेंड आपको बहुत क्लियरली पता है रजिस्टेंस की बात करें तो पहला सेवनटीन फिफ्टी एंड उसके बाद सेवनटीन थाउजेंड टू टू फाइव ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है ये चार लेवल्स ही सिंपली मार्क कर रखने और इनके मिड में आपको मार्केट में ले तो ट्रेड्स बनाने अदरवाइज अवॉइड कर दे जैसे सेवनटीन थाउजेंड के बिलो आज अवॉइड भी ही कर सकते थे क्योंकि वहाँ हमारी कोई डिस्कशन नहीं थी ठीक है कल के लिए ये ट्रेडिंग सेटअप है हाँ सुपर ट्रेंड जरूर यूज़ कर सकते हैं सुपर ट्रेंड ने आपको काइंड kind ऑफ of यहाँ बाय साइन दे दिया था सर आपको सिक्सटीन नाइन फिफ्टी पे और वहाँ से क्या गज़ब की रैली आई है तो इंट्राडे में ट्रेड्स के लिए सुपर ट्रेंड को आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज ट्रेडिंग सेटअप हम आपको बताने वाले वो फॉलो कीजिए इन लेवल्स के मिड में मार्केट मिलेगी तो हम ट्रेड्स बनाएंगे ट्रेड्स कैसे बनाने सेवनटीन वन हंड्रेड लोअर साइड ब्रेक होता है तो पुट्स में एंट्री और अच्छा डिसेंट टारगेट है हंड्रेड पॉइंट्स का अगर सेवनटीन वन हंड्रेड लोअर साइड ब्रेक होता है तो पुट्स में एंट्री सेवनटीन थाउजेंड टारगेट के लिए बहुत सिंपली हंड्रेड पॉइंट का अच्छा डिसेंट टारगेट है सेवनटीन थाउजेंड वन हंड्रेड के बिलो पुट्स में एंट्री और सेवनटीन वन फिफ्टी के अबव कॉल्स में एंट्री और टारगेट होगा सेवेंटी फाइव पॉइंट का सेवेंटीन थाउजेंड टू टू फाइव ठीक है और मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन रखें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट चल रही है विक्स बहुत हाई लेवल्स पर है इसके अलावा काफ़ी सारे इवेंट्स हैं मार्केट में तो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है तो ध्यान से ट्रेड करना है स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन रखें और ये ट्रेडिंग सेटअप है सिंपल मिलेगा तो ट्रेड करना है अदरवाइज़ नहीं हाँ और इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो जरूर फॉलो कर सकते हैं अदरवाइज लेवल्स के ऊपर हमें इन्हीं लेवल्स पे कल ट्रेड करना है सिंपली आज चार्ट एनालिसिस करेंगे क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो ऑप्शन चेन में ज़्यादा डाटा बिल्डअप नहीं है तो आज सिर्फ चार्ट एनालिसिस करेंगे और ये चार लेवल्स हैं और इनके बेस पर ट्रेड करना है कल आपको सिर्फ तो ये बात हुई निफ्टी की ये सेटअप है होप आपको क्लियर होगा सेवनटीन वन हंड्रेड के बिलो पुट्स में एंट्री सेवनटीन वन फिफ्टी की अबव कॉल में एंट्री अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की और जैसा कि हमने आपको बताया बैंक निफ्टी में पूरी रेंज देखने को मिली क्या लेवल्स थे हमारे इंपॉर्टेंट थर्टी सिक्स लोअर साइड थर्टी सेवन मिड में लेवल और थर्टी एट अप साइड लेवल ये लेवल डिस्कस किए थे हमने ऑलमोस्ट पूरी रेंज मार्केट ने कवर अप कर दी थर्टी एट के आसपास ही डे हाई लगा आज यहीं डे एंड में मार्केट क्लोज हुई है ऑलमोस्ट ठीक है लोअर साइड देखेंगे तो 37,000 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट डे लो थर्टी लेवल के आसपास बनाए और ये नॉर्मली हमारा कोई लेवल नहीं है लेकिन एक्सपायरी थी आज उसके लिए स्पेशली आपको ये लेवल बताया था कि ये लेवल वर्क करेगा 37,000 बहुत क्लियरली बताया था कि एक्सपायरी है 500 के मल्टीपल्स पे मार्केट वर्क करती है तो 37,000 एक न्यू लेवल है ज़रूर याद रखना है और मार्क रखना है चार्ट्स पे एक्सपायरी वाले दिन वर्क करेगा नॉर्मली लेवल नहीं था यहाँ कोई लेकिन एक्सपायरी के लिए लेवल अपडेट किया था और ऑलमोस्ट वही डे लो बना अगर इंट्रा डे मार्केट की बात करें तो यहाँ भी अच्छी गैप डाउन ओपनिंग हुई लेकिन निफ्टी की तरह यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्केट नहीं थी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी में बाउंसेज देखने को मिल रहे थे बार बार अब देखेंगे पहली बार भी लोअर एंड से बाउंस आया ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेवल टू लेवल वर्क हो रहा है थर्टी सेवन फोर हंड्रेड सेकेंड टाइम फिर मार्केट आती है फिर से रेजिस्टेंस दो बार एग्जैक्टली exactly लेवल पे रेजिस्टेंस लेती है मार्केट थर्टी सेवन फोर हंड्रेड यहाँ से डिप आता है कहाँ तक थर्टी सेवन टू हंड्रेड तक काइंड ऑफ सपोर्ट का वर्क करता है फिर सपोर्ट का वर्क करता है फाइनली ब्रेक होता है तो ऑलमोस्ट हम आते हैं आज के डे लो उसके बाद जो था ऑलमोस्ट थर्टी सेवन थाउजेंड और फिर से वो लेवल आपको अपडेटेड था यही काइंड ऑफ मार्केट सपोर्ट लेती है और यहीं से रिवर्सल स्टार्ट होता है मेन रीजन था आज आज पीएसयू पीएसयू बैंक्स बैंक्स ने ने गजब गजब की की रैली दिखाई। की रैली दिखाई दिखाई सारे सेक्टर्स नेगेटिव थे लेकिन और उसकी वजह से हमें बहुत गजब की रिकवरी देखने को मिली लोअर लेवल से मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया नेगेटिव मार्केट से पॉजिटिव मार्केट और वो भी गजब की नेगेटिव मार्केट थी गैप डाउन ओपनिंग उसके बाद भी लोअर साइड लेवल्स देखे लेकिन परफेक्ट लेवल से थर्टी सेवन थाउजेंड से हमें परफेक्ट रिकवरी देखने को मिली सुपर ट्रेंड ने भी आपको ये रैली कैच कराई थी उसने भी आपको बाय सिग्नल दिया था वहाँ से भी आप कैच कर सकते थे अदरवाइज लेवल से भी बहुत परफेक्टली वर्क हुआ आप देखिए क्या गज़ब की रैली रैली में पहली बार मार्केट कहाँ जाके फेस करती है रजिस्टेंस यहाँ क्या लेवल था ये थर्टी लेवल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं थर्टी दो बार वर्क कर रहा है थर्टी सेवन टू हंड्रेड थर्टी सेवन थाउजेंड आज का डे लो जो सिर्फ एक्सपायरी के लिए आपको लेवल अपडेट किया था परफेक्टली वर्क करता है यहाँ से जब रैली स्टार्ट होती है गजब की रैली सिक्स फिफ्टी पॉइंट्स की लेकिन थर्टी सेवन सिक्स फिफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल है तीन इंपॉर्टेंट लेवल थे वर्क करता है अपना पहले रजिस्टेंस का बाद में सपोर्ट का ब्रेक होने के बाद सपोर्ट भी देता है मार्केट को और यहाँ से फर्दर रैली कहाँ तक थर्टी एट वन हंड्रेड तक थर्टी एट वन हंड्रेड भी मार्केट ने आज टेस्ट कर दिया पूरी रेंज देखी आज हमने मार्केट में और यहाँ से डिप आ रहा है देखियो क्या शार्प डिप है लेकिन डिप में सपोर्ट भी मार्केट ने लेवल पे ही लिया है थर्टी सेवन एट हंड्रेड तो हर लेवल ने वर्क किया है आप देखिए थर्टी सेवन फोर हंड्रेड थर्टी सेवन टू हंड्रेड थर्टी सेवन थाउजेंड डे लो थर्टी सेवन सिक्स फिफ्टी मिड में इंपॉर्टेंट लेवल डे हाई एग्जैक्टली जो मेजर रेजिस्टेंस थी और यहाँ पे भी आप डिप में भी एग्जैक्टली exactly लेवल से फिर एंट्री बनाते इस टारगेट के लिए हर लेवल ने परफेक्टली वर्क किया तो होप स्पेशली बैंक निफ्टी में आपका डे परफेक्ट रहा होगा मार्केट में हमने लेवल टू लेवल वर्क होते हुए देखा और गजब की रिकवरी और अब क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट लेवल पर आई है क्योंकि अब ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट लेवल है चलिए कल के लिए सेटअप की बात करते हैं आज का डे हो गया है कल के लिए क्या सेटअप है इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग आई है थर्टी एट वन हंड्रेड इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी में बहुत क्लियरली बहुत टाइम से बता रहे हैं इसके अब मार्केट फिर से पॉजिटिव बुलिश हो जाएगी इसके अबाव आपको कॉल्स में एंट्री करनी है टारगेट थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो ये दोनों हमारे रेजिस्टेंस लेवल है कल के लिए क्लियरली ब्रेकआउट लेवल है थर्टी एट वन हंड्रेड इंपॉर्टेंट लेवल है बार बार रिपीट करते आ रहे हैं हम ठीक है और इसी लेवल पर क्लोज हुई है मार्केट देखो इंपॉर्टेंट लेवल पर तो कल इसके अबाव मार्केट बुलिश है कॉल्स में एंट्री टारगेट थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड सपोर्ट लेवल्स की बात करें सारे सपोर्ट लेवल्स ने वर्क किया थर्टी सेवन एट हंड्रेड थर्टी सेवन सिक्स फिफ्टी थर्टी सेवन फोर हंड्रेड एंड थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड पुट्स में एंट्री कब करनी है क्या थर्टी सेवन एट हंड्रेड के बिलो पुट्स में एंट्री करें या थर्टी एट वन हंड्रेड के रजिस्टेंस पे पुट में एंट्री करें नहीं पुट्स में एंट्री करनी है आपको ये मिड में जो लेवल है इंपॉर्टेंट जो आपको आज भी बताया था इसके बिलो पुट्स में एंट्री करनी है और टारगेट ये रहे आपके पास लेवल्स हैं वो फर्दर टारगेट्स हैं सिंपली थर्टी सेवन फोर हंड्रेड एंड थर्टी सेवन टू हंड्रेड तो थर्टी सेवन सिक्स फिफ्टी के बिलो पुट्स में एंट्री करनी है तो वेट करना पड़ेगा मार्केट थोड़ा डाउन साइड आएगी लेवल ब्रेक करेगी तब आपको पुट्स में एंट्री करनी है और कॉल्स में एंट्री जल्दी मिल सकती है अगर मार्केट स्लाइटली भी अपसाइड जाता है थर्टी एट वन हंड्रेड के ब्रेकआउट पे कॉल्स में एंट्री बनती है और पुट्स में एंट्री बनेगी थर्टी सेवन सिक्स फिफ्टी के बिलो बहुत सिंपल सेटअप है ये आपको फॉलो करना है लेवल्स मार्क करने है और ये सेटअप फॉलो करना है आज का की मार्केट थी और लेवल्स ऐसे ही डेली वर्क करते हैं बस आपको सिंपली फॉलो करना है लेवल्स को तो होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस क्लियर होगा आज की वीडियो में इतना ही होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं इसके अलावा जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय टेक केयर